कितनी देर में आगे प्रोग्राम कर रहा G20 देशों की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को मिली है। एक बड़ा अवसर हमें मिला है। वो मेरा भी सौभाग्य कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टूरिज्म और कल्चर की बैठक होगी। हम सब स्वागत की तैयारी में जुटे हैं और बड़े पूरा देश उत्साहित है और आने वाले देशों के जो लोग हैं उनके लिए हम स्वागत की तैयारियों में पूरा भारत पूरे मध्य प्रदेश के और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग भी जुटे हैं। वैसे चलती रहती है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आज हमारी ग्वालियर चंबल संभाग की बैठकें हैं तो ये तो हम सतत और नियमित तौर पर करते रहते हैं। क्या क्या सीन बनेगा भाई साहब 2023 में? इतिहास बनेगा। मैंने कहा ना, ये जो गुजरात के अंदर आंधी आई है वो ककराना से घुसेगी और मध्य प्रदेश के कोने कोने में, चंबल से लेकर के बैतूल और अलीराजपुर तक और जाकर के पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुँचेगी। देखिए, गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है और ये विश्वास उन्होंने विकास और गुड गवर्नेंस के आधार पर जो दिया है देश के अंदर और गुजरात के अंदर और भारत के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति का कारण है कि हम ऐतिहासिक बहुमत नहीं, भारत की राजनीतिक इतिहास में किसी राज्य में इतना बहुमत किसी को नहीं मिला जो गुजरात के अंदर मिला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का अभिनंदन है और ये बयार और आंधी 2023 में मध्य प्रदेश में भी आएगी। किस तरह से